अभी जो आप यहाँ पर आए हुए, क्या परेशानी है आप लोगों को? हमें लड़के मारते हैं, पीटते हैं। तेज थोड़ा बोले, नाम लेके। नाम राहुल और सीमा। घर में मारते हैं, गला दबाते हैं। क्यों मारते हैं आपको? वो बदतमीज है। हैं? वो बदतमीज है, बड़ी है। सबा क्या खुल गया? नहीं, बदतमीज है। क्या बदतमीज है? वो बेसा है, बेसा। धंधो का कुंभीर के साथ तो उसका आदमी नहीं है। है आदमी, बड़ुआ है, बिल्कुल भाई के संग रहता है। आदमी भी उसी का संग दे रहा है। तो अब जब वो दोनों लोग एक दूसरे का संग दे रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अब जो दिक्कत है हमें कि घर पे आते तो मैं तो मार पीट पीट और लड़का है मेरा बड़ा बार उसको न्यारा रहता है, बाकी बच्चन को मार उड़ रही है, कल्लू भी देखो मार पीट कर रही है। तो आपने किसी को शिकायत की? थाने में करी। हाँ। नहीं सुनी, भटका दे हम। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम तो चाहते हैं कि रहे, नहीं बुआ किसने रहे। हाँ, जो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या परेशानी है और क्या चाहते हैं आप लोग? हम इस कदम पर इकट्ठे हुए हैं सर, हमारे छोटे भाई की बहू, वो सीमा राहुल की पत्नी, वो इंटर से धंधा करती है, गलत आदमियों को संपर्क लेकर आती है घर में, और दारू पीती है, खूब पिलाती है, और एक व्यक्ति बसा लिया उन्होंने सरकारी, उससे इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है, जीवित पति होते हुए पहला। वो सर एक खाले आलम बगीचे पर नर्सरी में नौकरी करता है। वो चतुर्थ श्रेणी में, वो चतुर्थ श्रेणी में नौकरी करता है। क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ये चाहते हैं सर, देखो मैं तो अलग रहता हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे बच्चे बराबर के हैं, मेरे बच्चों को आए दिन तो थाने में फंसाने की कहती है, कहीं कपड़े फाड़ने की कहती है, और 24 घंटे धमकी देती मारने की। मैं ये चाहता हूँ लिहाजा मेरे बच्चों को मेरे को सुरक्षित दिन रहने के लिए, और तारायण थाने में ये कहती है कि तुम्हारी हालत खराब आई, तारायण थाने में मेरी बहुत पहुँचा, तारायण थाने में कोई हमारी कोई सुनता ही नहीं है, तारायण थाने में मतलब तारायण थाने में मतलब कोई सुनवाई नहीं होगी, और सब वो कला लेंगे जो उन्हें करना है। और मेरी माँ को 13 तारीख को कई दिन पीछे आई, उसको मारा पीटा, मैंने 16 नंबर पर कॉल किया, पुलिस आई वहाँ पर, मगर मेरी कोई सुनाई नहीं वहाँ पर। ठीक है, दो लोगों को पकड़ लिया, व्यक्तिगत लोगों को पकड़ के मारपीट कर रही है। मतलब अभी जो आप ये लोग बता रहे हैं, क्या मामला है इनका? अपना परिचय दें जी। मेरा नाम दीपक बाबू एडवोकेट है, और मैं मिशन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। सर आप कलेक्टेड आए हैं, क्या संबंध है? मैं कलेक्टेड इसलिए आया हुआ हूँ, ये पीड़ित